मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन मैथ्स में एक्सरसाइज 13 पढ़ेंगे, जो कि आपके कल की वीडियो में भी आपने एक्सरसाइज 13 पढ़ी थी। तो अपने अपने नोटबुक और बुक दोनों ओपन करके रखिए आप। ओके, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो कल आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसका ही फिफ्थ वाला सम सॉल्व करेंगे आज अपन। तो इसमें देखिए, चेंज द यूजिंग ऑफ फॉलोइंग मैनर्स मैन, ठीक है। मेजरमेंट्स में क्या करना है आपको, मेजरमेंट्स में आपका कल आपके लिए मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज आपको क्या बताएंगे, मैं सेंटीमीटर को मिली मीटर में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो आपको किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, मीटर में 1000, एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, और मीटर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपके होते हैं 100। इस तरीका का आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर में आपके होते हैं 10 होते हैं आपके। ओके, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आगे का वाला सम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। आपको आपका है यहाँ पे 4y1/5। ओके, क्या है आपका 4y1/5, सेंटीमीटर इक्वल आपको डैश दे रखा है यहाँ पे, इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखो सॉल्व कैसे करोगे, 5 की टेबल क्या करोगे आप, 5 की टेबल 4 टाइम बोलोगे, इतने टाइम बोलोगे 5 की टेबल 4 टाइम, तो 5 की जगह क्या होता है यहाँ पे 20। तो आपको क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, आपको 5 4 20, तो 20 अगर आप इस तरीके से देखिए, आप इस तरीके से सॉल्व करिए, अगर आप 20 को आप साइड में भी कॉलम में बना सकते हैं, अगर आप भूल सकते जाओ तो 20+1, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 20+1 आप साइड में इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। तो 20 प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे 21/5। ओके, तो आप देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसमें करना कन्वर्ट 10 में, जैसे आपने 1000 में किया था किलोमीटर को और मीटर को 100 में, इसको किसमें करना है आपको 10 में। तो आप इस तरीके से भी आप सम कर सकते हो कि आप देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया कि 21 कैसे आया, तो आप साइड में लिख सकते हो कि 4 5 4 20 20+1, तो आपका क्या हो गया ये 21। तो आप अपन में क्या लिखोगे, आप 5 21/5 × 10। ओके, तो आप इसका आंसर क्या आएगा आपका, देखिए आपको, तो आप देखिए कि 5 की टेबल से 10 कितनी टाइम में कट रहा है आपको, देखिए आप 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम में, तो 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2। तो आप अगर ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन करके भी देख सकते हैं आप, 5 की टेबल में 10 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो यहाँ ऊपर क्या लिखोगे 2 और नीचे आप 10। तो आपको इस तरीके से डिवाइडेशन भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो आपका क्या आ गया ये 2 टाइम में कट हो गया। तो आप देखना है आपको कि आपका क्या है, आपका 5 कट ही गया, कट हो गया 10 में, कट हो गया, तो आपका क्या बचा 2 और 21। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 21 बीच में किसका साइन है आपका, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, आपका 10 कट हो चुका है, 5 हो गया, तो आपका क्या बचा इसमें लास्ट में 2, तो 21 × 2 को करने से क्या आंसर आएगा आपका 42। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई साइड में कर सकते हैं, 1 21 × 2, तो 2 की टेबल 1 टाइम बोलोगे तो 2 1 2 2 2 4, तो आपका क्या आंसर आएगा 42। तो आपका ये क्या हो गया आंसर, और आपको इसमें क्या लगाना है, मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 42। इस तरीके से आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है ये सम्स। तो आप इस तरीके से आप सम्स कर सकते हैं, किलोमीटर आएगा तो आपका यहाँ से क्या लिखोगे आप 1000, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 100, और अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। उसी तरीके से अगर यहाँ पे मीटर बोल देता तो आप यहाँ के लिख देते 100, तो 100 किससे मल्टीप्लाई हो जाता, आपको किससे कट जाता है 5 की टेबल से 20 टाइम में। ओके, इस तरीके से आपको आगे सब करना है। तो आप सेकंड वाला सम्स देखिए, सेकंड वाले में आपको क्या करना है, उसमें आपके लिए दे रखा था किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें क्या दे रखा है आपको, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको दे रखा है, जस्ट इसका उल्टा। तो आपको
सेंटीमीटर दे रखा है। आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको मीटर को मीटर दे रखा था आपको, सेंटीमीटर को आपको याद करना था। अब इसमें जस्ट क्या हो गया आपका, उल्टा हो गया, रिवर्स। तो इसमें क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर दे रखा है आपको और इसमें कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या करते थे अपन 1000 को मल्टीप्लाई करते थे और इसको क्या करना है आपको, डिवाइडेशन करना है। अगर आपका मीटर यहाँ होता, सेंटीमीटर यहाँ होता, तो आपका क्या होता, मल्टीप्लाई, जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। और इसका क्या करना है सेकेंड वाले में, आपको आपको सेंटीमीटर दे रखा है और मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, आपके लिए जैसा आपको आपको याद होगा कि मीटर को किस में चेंज कर देते हैं अपन 100 में, मीटर और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन 100 में। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सब सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या करना है आपको, डिवाइडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीटर को आपको याद, आपको क्या करना है यहाँ पे मीटर निकालना है आपको और सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है ये 20, तो आपको इसमें किसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा 100 का। तो आप 100 का इस तरीके से भी डिवाइडेशन कर सकते हैं आपको, जैसे 120 अपॉन 100। तो 10 से 10, ये 0 है आपका और ये 0, तो सेम 0 है यहाँ पे। तो आपका क्या हुआ, 0 से 0 कट हो गया। तो आपको क्या बचा यहाँ पे नीचे 10, आपके पास क्या था 100। तो आपका इस 0 से इस वाले 0 को भी काट दिया, इस वाले 0 को भी कट कर दिया अपन ने। तो आपके पास क्या बचा 12 और 10। तो अब इन दोनों को क्या करोगे आपकी इस तरीके से अगर अपॉन में लिखा रहता तो इसका क्या होता आपका, डिवाइडेशन। अगर ना साइड कोई डिजिट होती है तो उससे क्या होता आपका, मल्टीप्लाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है आपका। पर इसमें क्या होगा आपको, जैसे आपको मैंने फर्स्ट वाले सम्स में था आपका इस तरीके से सम्स था आपका, तो इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का। पर इसमें क्या करना है आपको, डिवाइडेशन आपका है 120 डिवाइडेशन 100। तो आपको ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किससे करते हैं अपन, 100 से। तो इस तरीके से आपको क्या सब दे रखा है आपको 120, तो आपको 120 को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 100 लिख हो गया आप। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट होता आपका, मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता तो आपको किस क्या लिखना होता है यहाँ पे 1000। ओके, तो इसी तरीके से आपको 0 से 0 कट हो गया आपका। तो आप देखिए कि 12 की टेबल में 10, सॉरी 10 की टेबल में 12 आता है, आप यहाँ क्या लिखोगे 12 और ये 10। तो आप देखिए 10 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, 10 तो आता है ना, तो 10 लिख देंगे कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। कितने टाइम में आता है आपका, 1 टाइम में। अब 2 प्लस वो क्या बचेगा आपका, 12 से 10 लेस होती 2, क्या आएगा आपका 10 में से 12 लेस होती आपका आ जाएगा 2। तो आपके 10 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 0 और ऊपर क्या लगा दोगे आप, पॉइंट, क्या आएगा आपका यहाँ पे पॉइंट। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो अब 10 की टेबल में 20 आता है आपका, आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 20 में से 20 लेस होगा तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, कितने टाइम में आता है 10 की टेबल में, 2 टाइम में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1.2 आंसर मीटर आंसर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे आपको 1.2 मीटर आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप सम सॉल्व करोगे। इसमें क्या करना है आपको, सेंटीमीटर दे रखा है आपको, सेंटीमीटर किलोमीटर आगे सम्स में सभी आएंगे, सेंटीमीटर पे आएगा किलोमीटर मीटर। तो इसमें आपको क्या करना, सब में डिवाइडेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट में क्या था, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था, मीटर को सेंटीमीटर में, और इसमें क्या करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है आपको। तो इस तरीके से आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट सम देखिए अपना, तो देखिए आप सेकंड वाले सम में क्या करना है आपको, आपको यहाँ दे रखा है 2000, क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 2250, क्या दे रखा है आपको 2250। ओके, तो आपके लिए 2250 मीटर इक्वल आपको दे रखा है यहाँ पे किलोमीटर में, आपको क्या करना है उसको मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपने अभी करा था सेंटीमीटर को मीटर में, उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 2250
एडिशन करना होगा। तो आपको इस तरीके से इक्वल का साइन में लगाना है आपको। तो आप साइड में क्या करोगे अपनी रफ कॉपी में, आप क्या कर सकते हो इसको डिवाइडेशन करके देख सकते हो। तो आप देखिए 100 की टेबल में 225 आता है तो नहीं आता है, क्या आता है आपका 200 ओनली, क्या आता है आपका 200। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 200 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। अब देखो यहाँ पे 225 लेस करेंगे आपको क्या बचेगा आपका 25 माइनस करने पे, यहाँ पे आप देख सकते माइनस करने पे, तो आपके 100 की टेबल में 25 आता है नहीं आता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 0 और यहाँ क्या करोगे आप एक पॉइंट। तो आपको पॉइंट वाले सम्स भी आते ही होंगे आपको। तो देखिए आप 100 की टेबल में 200 आता है, 250 नहीं आता है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 200 लिखोगे। तो आपका क्या बचेगा आपका माइनस में 50, क्या बचेगा आपका माइनस में 50। तो आप देखिए कि 100 की टेबल में 200 कितने टाइम में आया था, 2 टाइम में। तो अब देखो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगाओगे उसमें क्या करोगे आप 5, ओके कितने टाइम में गया ये 5 टाइम में। तो आपका ये सम्स क्या हो गया यहाँ पे सॉल्व। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको, आपको 2250 दे रखा था आपको मीटर, तो इसको कन्वर्ट किया था आपको क्या आया 2.25, ओके। तो आपका ये आंसर आ गया आपका किलोमीटर में। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2.25 किलोमीटर आंसर। तो आपका ये किलोमीटर में आप